और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है और आज भी संसद में हंगामे के आसार बने हुए हैं। कई मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, पूरे सप्ताह में केवल 4 बैठकें हुई और कार्यवाही पूरी तरह से ठप रही। अजमेर दरगाह और संभल मुद्दे पर 267 के तहत राज्यसभा में चर्चा के लिए नोटिस कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी ने दिया है। दूसरी ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस खत्म नहीं हो पा रहा। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सीएम को लेकर सस्पेंस के बीच आज बीजेपी की बैठक हो सकती है। इस बीच सतारा से लौटकर मुंबई पहुंचे एकनाथ शिंदे ने कहा, महायुति में नहीं है कोई भी मतभेद, मेरा समर्थन रहेगा, सीएम पर फैसला मोदी शाह लेंगे। तीसरी ब्रेकिंग, रोक के बावजूद आज संभल जाने पर अड़ा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। इस बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान सामने आया, कहा पुलिस ने नोटिस जारी किया है, हिंसा प्रभावित संभल का दौरा ना करने के लिए कहा है। अजय राय ने कहा, निश्चित रूप से हम भी अव्यवस्था नहीं बल्कि शांति चाहते हैं। और इस बीच खबर है कि पुलिस ने अजय राय को कांग्रेस दफ्तर में ही रोक दिया है। चौथी ब्रेकिंग, अपनी मांगों को लेकर आज फिर से सड़कों पर उतरेंगे अन्नदाता, दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसान महामाया फ्लाईओवर के नीचे इकट्ठा होकर दिल्ली कूच करेंगे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। इस दौरान कई रूट्स को भी डायवर्ट किया गया है। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस ने दिल्ली आने जाने वाले लोगों से मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की है। पांचवी ब्रेकिंग, देश में घटती आबादी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। मोहन भागवत ने की है 2 से ज्यादा बच्चों की पैरवी, कहा जनसंख्या में गिरावट समाज के लिए खतरा है, कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। भागवत ने कहा कि जिस समाज की प्रजनन दर 2.1 से भी कम है तो वो विलुप्त हो गए। भागवत के इस बयान पर कांग्रेस और ओवैसी ने सवाल उठाए। छठी ब्रेकिंग, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और इस्कॉन मठ के साधुओं पर हुए हमलों के विरोध में बीजेपी धरना दे रही है। सातवीं ब्रेकिंग, दिल्ली की हवा में सुधार हुआ लेकिन अभी भी जहरीली हवा बनी हुई है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 है। वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में यही AQI 300 के ऊपर दर्ज किया गया है। आनंद विहार में 303, द्वारका सेक्टर 8 में 307, जहांगीरपुरी में 310, नेहरू नगर में 354, आरकेपुरम में 305 और शादीपुर में 319 AQI दर्ज किया गया। आठवीं ब्रेकिंग, तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्री तट पर पहुंचा चक्रवाती तूफान फेंगल। चक्रवात फेंगल के कारण उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश चल रही है। तमिलनाडु में अगले 36 घंटों तक भारी बारिश होने की संभावना भी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटों में चक्रवाती तूफान फेंगल के जल्द ही कमजोर पड़ने की भी उम्मीद है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर चेन्नई हवाई अड्डा फिर से खोल दिया गया है। नौवीं ब्रेकिंग, झारखंड के लातेहार से जहां अपराधियों ने तांडव मचाया, कोयला से लदे 2 ट्रकों में आग लगा दी। बालूमाथ थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने यह आग लगाई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। अपराधियों के इस तांडव की वजह से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। घटनास्थल पर पुलिस को एक पर्चा भी बरामद हुआ है। दसवीं ब्रेकिंग है, राजस्थान के श्रीगंगानगर से जहां पाकिस्तान की एक और कायराना हरकत सामने आई है। पाकिस्तान ने श्रीगंगानगर में ड्रोन से पैकेट गिराया है जिसमें से हथियार निकले हैं। जब बीएसएफ ने बंद पैकेट को खोला तो अंदर से 2 विदेशी पिस्टल, 7 कारतूस निकले। पिस्टल पर P+STROM लिखा है जबकि कारतूसों पर 7-63 लिखा है। पैकेट का वजन 2 किलो 100 ग्राम था। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसी ने भारत में आतंक फैलाने या फिर किसी गैंगस्टर की मदद के लिए हथियार ड्रोन से गिराने की आशंका जताई है। जांच में फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं।